नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लगातार इसराइल हमले कर रहा है, लेबनान पर हो या बाकी संगठनों पर हो जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। लेकिन इस बीच अब ईरान का एक बड़ा बयान आ गया है। हालांकि बड़ा सधा हुआ यह बयान है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि इसराइल ने ईरान को कम आंका है। अब ये कम आंकने के पीछे किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अगर ईरान की बात की जाए, उसके मीडिया में, उनके अंदर जो भी जर्नलिस्ट हैं या जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। खास तौर पर जो इसराइल ने हमला किया ईरान पर, उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बड़ा कम आंका गया, 4 सैनिक मरे हैं, हमला बड़े हमले की बात इसराइल करता रहा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखा है। और खास तौर पर जिस तरह से मिसाइल दागे गए, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अब वहाँ के इस पूरे सिस्टम को लेकर भी बड़ा बहुत चर्चा हो रही है। देखिए नीलू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सोशल मीडिया में इस समय 3 बातों को लेकर चर्चा है। अगर हम देखें कि ये पिछले 1 साल से, पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे इसराइल के ऊपर, उससे 1 साल से जो ये एक प्रकार की लड़ाई चल रही है, इसमें इसराइल को 3 बड़े झटके लगे हैं। एक का जिक्र तो आप कर ही रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी जो है, इसने पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात मानी है कि पिछले 1 साल में 890 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अच्छा। ये पहला मौका है ऐसा, देखिए इसराइल, हाँ, कि इसराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है, इसकी तरफ से कहा गया। हालांकि ये बात भी सोर्सेज के जरिए ही बाहर आई है कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि करीब 890 इजरायली सोल्जर्स की गाजा में, लेबनान में और बॉर्डर में अलग अलग हमलों में मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, बांकड़ा है। 890 इजरायली सैनिकों की मौत होना जो है, ये वाकई एक बड़ा झटका इसराइल के लिए है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी चीज आप देखिए, अगर हम लेबनान की भी बात करें, लेबनान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वहाँ पे भी लगातार जो इसराइल के मरकावा टैंक्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। देखिए एयर स्ट्राइक तो इसराइल कर रहा है, लेकिन इसराइल को भी नुकसान उठाना, जमीन पे ग्राउंड ऑपरेशन पे इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो तीसरी चीज की आप बात कर रहे हैं, ईरान पे हमले की, देखिए पूरे सोशल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में एक इस तरह का मैसेज गया है कि इसराइल का जो हमला था वो बहुत ही हल्का हमला था, वो उतना बड़ा हमला नहीं था जितनी की बात की जा रही थी इसराइल की तरफ से, कि हम ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना देंगे और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो पहली बात तो ये कहा गया कि जो ये फाइटर जेट्स F-35, F-16, F-15 से हमले हुए, ये ईरान की सीमा के अंदर दाखिल नहीं हुए। ये बड़ी बात है। जॉर्डन, यस, आयरन डोम सिस्टम पर भी एक बड़ा, जॉर्डन की सीमा से, सीरिया की सीमा से ये हमले हुए हैं, और ईरान की सीमा के अंदर फाइटर जेट्स नहीं गए, जो मिसाइल्स हैं वो बाहर से दागी गई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए कि जैसा पहले एक अंदाज लग रहा था कि इसराइल का बहुत बड़ा हमला होगा, ये वैसा बड़ा हमला इसको कतई नहीं माना जा सकता जिस तरह अभी चीजें निकल के सामने आई है। अब देखिए इसको लेके जो आप जिक्र कर रहे थे कि खामेनेई का बयान सामने आया है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, खामेनेई का कहना है कि इसराइल ने जो है वो ईरान को बहुत कम कर आका है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा ये कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है उसने न सिर्फ इसराइल के हमले को एक प्रकार से नाकाम किया, जो मिसाइल्स अंदर आई उसमें से काफी सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई मिसाइल, और जो मिसाइल गिरी भी हैं उनसे वैसा नुकसान नहीं हुआ जिसका मतलब पहले अंदेशा था कि बहुत आशंका थी कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा कतई नहीं था। अब देखिए IDF चीफ जो है, हर्जी हवेली, इसराइल के IDF चीफ हैं, उनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना ऐसा है कि ये इसराइल की तरफ से एक लिमिटेड अटैक था और पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये सिर्फ एक ट्रायल था। अब देखिए इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि IDF चीफ खुद ये मान रहे हैं कि ये हमला छोटा हमला था। जब IDF चीफ ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमने अपने, इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है, छोटे हमले से क्या जताना चाहते हैं? क्या IDF चीफ के हम के बयान का एक बात तो साफ है, वो खुद ही मान रहे हैं कि हल्का हमला था, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल बाकी है, तो क्या इसराइल एक और हमला कर सकता है ईरान पर? ये भी इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है, या फिर एक प्रकार से कि आप अपना जो है मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में एक ये मैसेज गया कि भाई इसराइल ने बहुत बड़ा हमला नहीं कर पाया, तो अब इसमें कुछ मुंह छिपाना है, तो इसलिए आप ये बयान दे रहे हैं कि भाई अभी हमने पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है, लेकिन जो आपका सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये हमला छोटे लेवल का हमला क्यों था। अब देखिए अमेरिका में होने हैं चुनाव, अब कहा यह जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होगा,
इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे क्या ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई छिड़ेगी, क्या इसराइल फिर से हमला करेगा या फिर ईरान पलटवार करेगा इसराइल पे, ये सब कुछ इस बात पे तय करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के क्या परिणाम आ रहे हैं। तो यानी कहा जाए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले कि ये शांति है, अगर एक बार चीजें निपट गई वहां पर, राष्ट्रपति कोई नया बना और राष्ट्रपति बनने के बाद जो नाम सामने आया उसी के अनुसार मिडिल ईस्ट की किस्मत तय। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए इस बार भी जो अटैक था ऐसा लगता है मानो इसराइल को ये कह दिया गया था कि आप अटैक तो करेंगे लेकिन ये अटैक बड़ा नहीं होना चाहिए। अमेरिका किसी हालत में ये नहीं चाह रहा, फिलहाल जैसे संकेत मिलते हैं जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो है डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो बात की या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने जो नेतन्याहू से और रक्षा मंत्री से इसराइल की बात की, तो ये मैसेज बड़ा साफ था कि जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार अगर यहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ जाता है या अगर इसराइल का बहुत बड़ा हमला होता, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हो जाता है या ऑयल रिफाइनरी पे हमला होता, उसके बाद ईरान भी जो है अपनी तरह से तैयार है पूरा। उसकी तरफ से ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ट्रू प्रॉमिस टू ऑपरेशन होगा, जो पहली बार 180 मिसाइल्स गिरी थी वो ट्रू प्रॉमिस उसका नाम दिया गया था। तो अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है, मोहम्मद बागेर जो है ईरान की संसद के अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि ईरान का जो ट्रू प्रॉमिस टू ऑपरेशन होगा ये एक बहुत बड़ा अटैक होगा और इसराइल पर निर्णायक हमला होगा। तो देखिए ईरान जो है वो हर तरह से इसराइल को जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ना सिर्फ मिसाइल्स तैयार हैं, बताया जाता है कि 1000 मिसाइल्स जो है वो लॉन्चिंग साइट्स पे रेडी हैं, फाइटर जेट्स रेडी हैं, जो सुरक्षा डिफेंस सिस्टम है वो रूस की तरफ से ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने भी अपनी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पहले जवाब देगा, क्या इसराइल का अगला कोई कदम हो उसके पहले ईरान, या फिर अगले चुनाव तक अमेरिका के जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आते तब तक शांति रहेगी। तो इन सब सवालों के बीच में पूरी स्थिति उलझी हुई है। देखिए आपने लेबनन की भी बात की, लेबनन में जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इसमें तो हिजबुल्ला को जबरदस्त हानि हो रही है, क्षति हो रही है। लेकिन आप एक बात देखिए नीलू, कभी भी जब ये डिफेंस जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयर स्ट्राइक्स में जो है वो बहुत ज्यादा लोग मारे नहीं जाते हैं, हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं उनको तो अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही हो सकता है वो। एयर स्ट्राइक से आपकी फैसिलिटीज तबाह हो जाएंगी, हिजबुल्ला के जो हथियारों के ठिकाने थे वो तबाह हो गए, जो उनके फाइनेंशियल सपोर्ट्स के सिस्टम थे वो तबाह हो गए, है ना, इस तरह के तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बिल्डिंग्स हिजबुल्ला की तबाह हुई, लेकिन जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं वो अभी भी ग्राउंड पर हैं और ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के लिए ग्राउंड ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती है। और यही इसी का परिणाम ये है कि बार बार जो ये खबरें आती हैं कि मरकावा टैंक्स हैं, वो एंटी टैंक मिसाइल से तबाह किए गए हैं, अभी पीछे हमने खुद ही ने बताया था कि करीब 28 टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड ऑपरेशन है लेबनन में वो आसान नहीं है। और अब तो ये भी चर्चाएं हैं कि क्या ईरान पर हमले के बाद, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा हमला नहीं था या जो है बहुत छोटे स्तर पे इसराइल ने हमला किया, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसराइल, इस तरह की आप देखिए सोशल मीडिया में भरमार चर्चा है, तो क्या लेबनन से भी क्या इसराइल अपनी फोर्सेस वापस बुलाना चाहता है? देखिए लेबनान में इसराइल का मकसद है एक बफर जोन बनाना, ताकि हिजबुल्ला के रॉकेट्स इसराइल की सीमा में दाखिल ना हो, जो लोग चले गए हैं इसराइल के अपने अपने इलाके को छोड़कर वो आ जाए वापस अपने अपनी जगह पर और वहां पर उत्तर इसराइल में बस जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो वो एक उसी मंशा के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे जो है आप एयर स्ट्राइक्स तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्ला की तरफ हिजबुल्ला के बड़े जो लीडर्स हैं वो मारे गए और बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कब तक चलेगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि जल्दी जो है इसराइल अपनी फोर्सेस को वापस भी बुला ले लेबनन से, इस तरह की भी चर्चाएं हैं इसमें, हालांकि कितना सही है पता नहीं। चलिए ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चर्चाएं हैं, ईरान ने कहा इसराइल ने उसे कम आंका लेकिन वो पूरी तरह से तैयार है, ईरान ने ये बार बार कहा है वो युद्ध नहीं चाहता है लेकिन अगर इसराइल कोई बड़ा हमला आगे करता है तो फिर उसकी तैयारी पूरी है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।